दोस्तों आज तारीख 14 अगस्त 2024 दिन बुधवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए स्वतंत्रता दिवस पर खास पहल, योगी सरकार ने 4.5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का संकल्प लिया और तिरंगा बाइक रैली को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बोले कि भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बनने की ओर है। यूपी में स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए डीजीपी ने सड़क, रेल और हवाई मार्गों पर सख्ती बरतने के आदेश भी जारी किए। चलिए अगली खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी महीने 24 अगस्त को करेंगे टेक्नीशियन वर्ल्ड कप का शुभारंभ, 46 देशों के खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। खबर है अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब बनेगा रामलला पार्क भी, रामायण काल की उसमें आपको झलक दिखेगी। ओपन जिम और किड्स प्ले भी बनाया जाएगा। 6.5 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में ये रामलला पार्क का निर्माण होगा। वही देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटे नियुक्ति पत्र, मथुरा वृंदावन में इस दिन मनाई जाएगी जन्माष्टमी। मथुरा के प्रमुख मंदिरों में 26 अगस्त की मध्यरात्रि को यह पर्व मनाया जाएगा और सीएम योगी ने लखनऊ लोक भवन में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चुने गए 1036 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किया। इस दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंकड़ा भी जारी किया, कहा कि भाजपा सरकार ने पिछड़ों को कितने रोजगार दिए। अखिलेश सरकार से तुलना कर मुख्यमंत्री ने आईना भी दिखाया। ये देख सकते हैं सीएम योगी द्वारा जारी डेटा भी, योगी कार्यकाल में प्रदेश में कितने युवाओं को रोजगार मिला। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी सड़कों को जल्द ही मिलेगा राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा। सीएम योगी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी हाल ही में इस बारे में चर्चा की थी, तो जल्द ही इस पर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। वही देखिए सीएम योगी का निर्देश, पासपोर्ट कार्यालय के जैसे ही आरटीओ ऑफिस में भी सुविधाएं दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी लाइसेंस कतई न बनने पाए और जैसे पासपोर्ट बनाते समय सख्त प्रोसेस से कार्य होता है, ठीक वैसे ही आरटीओ कार्यालय में भी ड्राइविंग लाइसेंस सीरियसली बनाए जाए, ना कि फर्जी वाड़े से। चलिए खबर है दोस्तों, अलीगढ़ उन्नाव समेत यूपी के 4 जिलों में बनेंगे विशेष निवेश क्षेत्र, औद्योगिक विकास मंत्री की तरफ से निर्देश जारी किए हैं और वो 4 जिले अलीगढ़ प्रयागराज के अलावा चित्रकूट और झांसी में विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ इन्वेस्टमेंट निवेश बढ़ेगा तो इससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार भी मिल पाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों को आईसीयू एक्सपर्ट की सुविधा से किया जाएगा लैस। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उत्तर प्रदेश में उन सभी में आईसीयू फैसिलिटी शुरू की जाएगी ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। चलिए खबर है 69,000 टीचर भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ा झटका लगा, 3 महीने में जारी करनी होगी संशोधित लिस्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है, अब सरकार को 3 महीने में आरक्षण के फॉर्मूले के हिसाब से संशोधित लिस्ट जारी करनी होगी। और किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, प्रदेश के 14 जिलों के किसानों की लॉटरी लगने वाली है। सीएम योगी ने केंद्र सरकार से कुछ नए बाईपास मांगे हैं और ये बाईपास बनाने के लिए किसानों से जमीनें खरीदी जाएगी जिससे उनको अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा, जिससे किसानों को फायदा दिया जाएगा योगी सरकार की तरफ से। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ पर चलाई जाएगी 7,000 बसें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया है। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला 2025 में लगने जा रहा है, आपको पता होगा, और महाकुंभ में जमीन व सुविधाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी मिलेगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की बैठक में और भी कई अहम निर्णय लिए गए। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, रक्षाबंधन के त्योहार से पहले प्रदेश में आशा कार्यकर्तियों को बड़ा तोहफा दिया है। 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज की सुविधा दिलाएगी योगी सरकार। आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली आशा कार्यकर्तियों को ये बड़ा फायदा मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। यानी आशा कार्यकर्तियां भी अब PMJAY योजना के अंतर्गत आएगी, है ना, जो ये केंद्र सरकार की योजना है, इसका फायदा प्रदेश में अब इनको भी मिलेगा। चलिए एक और बड़ी उपलब्धि देखिए, उत्तर प्रदेश के नाम अब देश भर में बिकेगी कांसी की सुभरा और बोनी सेम। पीएम मोदी ने इन दोनों सब्जियों के बीज का लोकार्पण किया। कांसी के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई ये सब्जियों की नई किस्म है जिनका अब देश भर में वितरण किया जाएगा, तो इससे यूपी के किसानों की आय बढ़ेगी। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस को मिलेंगे 24 नए IPS अधिकारी, लिस्ट में PPS अधिकारियों के नाम भी हैं। जल्दी इन अधिकारियों को कार्यभार सौंपा जाएगा। और वही देखिए खबर, कानपुर में होगा AK-203 राइफल का उत्पादन, 38 तरह के उपकरण बनेंगे। ये उपकरण कानपुर के अलावा अमेठी और कोलकाता में भी बनाए जाएंगे, जिससे इंडियन आर्मी के हथियार अब भारत में बनेंगे तो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ावा मिलेगा। चलिए खबर है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में शामिल होंगे 72 देशों के खरीददार। इस तारीख को भव्य आयोजन होने जा रहा है। ये ट्रेड शो का आयोजन 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा के विशाल परिसर में होने जा रहा है। और योगी सरकार का एक और नया प्लान देखिए, इलेक्ट्रिक रोडवेज बसों के लिए 4 शहरों में चार्जिंग स्टेशन भी जल्दी लगाए जाएंगे। 17 शहरों के बीच इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और वो 4 शहर कौन कौन से जहां चार्जिंग पॉइंट लगेंगे, उनमें लखनऊ, अयोध्या, बनारस और अलीगढ़ रूट पर ये खोले जाएंगे, है ना। और किसानों से जुड़ा एक और अपडेट देखिए आप, प्रदेश में मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। 30 अगस्त तक जियो टैगिंग होगी। खरीफ फसल को लेकर सीएम योगी ने किसानों के लिए ये निर्देश भी जारी कर दिया। चलिए खबर है, यूपी में दिखेगा मानसून का तांडव। आज 14 और कल 15 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के किन किन जिलों में IMD की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है, मैं आपको आगे बताऊंगा और मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल
फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर। अब चाहे पुलिस भर्ती हो या 15 अगस्त का दिन, रक्षाबंधन का त्योहार हो या कोई भी खास पर्व, अब एक सेकंड के लिए भी बिजली नहीं काटी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के मुताबिक जन्माष्टमी समेत इन सभी विशेष पर्वों पर 24 घंटे बिजली सप्लाई करने के निर्देश जारी किए हैं। और एक अच्छी खबर है, यूपी में एक खतौनी का कार्य पूरा हो चुका है। अब आपको अपनी जमीन प्रॉपर्टी की डिटेल सब कुछ ऑनलाइन मिल पाएगी। चलिए खबर देखिए, योगी सरकार ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि खटाखट फटाफट वाले पिकनिक मनाने गए। 2017 से पहले चाचा भतीजे में होड़ लगती थी कि कौन कितनी भर्ती करवाएगा। नोएडा वासियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, अब आप अपने डॉगी यानी कुत्ते वगैरह का पंजीकरण करवा लें अगर आपने पाल रखा तो, क्योंकि मित्रा ऐप लाइव हो चुका है और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उन पर सीधी 2000 की पेनल्टी भी लगाई जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, यूपी में सामूहिक विवाह योजना में खूब सारा खेला हुआ। अब हर जिले में शादियों की जांच करेगा समाज कल्याण विभाग, क्योंकि इस योजना में आए दिन कई फर्जीवाड़े सामने आते रहते हैं, तो इन्हीं को खत्म करने के लिए अब ये नई वेरिफिकेशन करवाई जाएगी है। और एक दुख भरी अनोखी खबर देखिए दोस्तों, 3 साल पहले गोरखपुर से लापता मैथ का टीचर बांग्लादेश सीमा पर मिला। पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सवाल हल कर रहा था। हो सकता है इन शिक्षक के मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन अब ये इनके परिवार वालों से मिल गए हैं। चलिए खबर देखिए, लखनऊ में डॉक्टरों की हड़ताल का जबरदस्त असर दिखा। लोहिया संस्थान में इलाज भी ठप हुआ। केजीएमयू में ओपीडी गेट बंद किया। एसजीपीजीआई में नहीं बने पर्चे भी। जो कोलकाता में आपको बताऊंगा ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना हुई, उसके बाद से देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल और विरोध देखा जा रहा। इसको लेकर आगे कुछ और अपडेट मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, आजमगढ़ में डीएलएड परीक्षा में सामूहिक नकल का एक बड़ा खुलासा सामने आया। डिटेक्शन से नोट कराए जा रहे थे जवाब, अब प्रिंसिपल समेत 12 टीचर और कर्मचारियों को हिरासत में लिया। 18 लाख का केस भी मिला ये एग्जाम सेंटर से। चलिए खबर है, यूपी में पेड़ों की अवैध कटाई से एनटीजी नाराज हुआ। अब जांच के लिए 4 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया। मुख्य सचिव को पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के निर्देश भी दिए। और वहीं देखिए एक बड़ी दुख भरी खबर, खतना के 8 घंटे बाद मासूम की जांच चली गई। बरेली में 40 दिन के बच्चे की नाई ने गलत नस काटी, ब्लीडिंग भी नहीं रुक पाई। जो खतना करवाते हैं मुस्लिम भाई लोगों के बच्चे बच्चों के, उस दौरान ये बड़ी घटना हो गई। वहीं देखिए लखनऊ में कांग्रेस महिला विंग ने किया विरोध प्रदर्शन। काले कपड़े पहनकर जा रही थी विधानसभा, पुलिस ने 3 लेयर बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इनका कहना कि सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी कर रही है क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध काफी बढ़ रहे हैं। चलिए खबर है, उपायुक्त उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रदेश में कानपुर की रैंकिंग खराब करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही हुई, सस्पेंशन की चेतावनी भी दी। वहीं काशी में भवनों के सत्यापन के लिए तैनात होंगे कर्मचारी। 100 टैक्स और सिनेमा में विज्ञापन देखा जाएगा। नगर निगम में कार्यकारिणी में बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए गए। खबर है, इस बार भी रक्षाबंधन पर बहनों के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू होने जा रही है। सभी रूटों पर 19 व 20 अगस्त को महिलाएं फ्री में यात्रा कर पाएंगी। और देखिए श्रावस्ती कलेक्ट्रेट में लागू हुई ई ऑफिस प्रणाली, डीएम ने ई ऑफिस पर डिजिटली आदेश जारी करके इसका शुभारंभ भी किया। वाराणसी बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे तकरीबन 3 लाख श्रद्धालु। 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। ये भक्तों का जनसैलाब भी आप देख सकते हैं श्रावण के महीने में। चलिए खबर है, लखनऊ में एलडीए का पोर्टल और वेबसाइट अब और ज्यादा हाईटेक होगा। फीचर्स अपग्रेडेशन के साथ ही सुरक्षित होगा आपका डेटा भी। अभी पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। खबर है, आजमगढ़ में 15 अगस्त को होगी क्रॉस कंट्री रेस। लड़के 10 और लड़कियां 5 किलोमीटर दौड़ेगी। विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। और देखिए लखनऊ व्यापार मंडल ने इंदिरा नगर इकाई का गठन किया। हिमांशु भट्ट को जिला संगठन मंत्री के साथ इंदिरा नगर का प्रभार सौंपा गया। आईआईटी बीएचयू में सैलरी का ब्यौरा अब समर्थ पोर्टल पर मिल पाएगा। फाइल और बिल का भुगतान भी फ्यूचर में हो सकेगा ट्रैक। काशी विद्यापीठ में अब रीजनल लैंग्वेज अनिवार्य होगी। ग्रेजुएशन में 2 मेजर और 1 माइनर विषय के साथ स्थानीय भाषा की भी पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। वाराणसी काशी विद्यापीठ में यह नया नियम लागू हो चुका है। और देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 9 अतिरिक्त जज बनेंगे स्थायी जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नामों को सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। खबर है, लखनऊ में जस्ट ने आजादी ट्रस्ट ने पौधारोपण किया। आम, पीपल, आंवला, नीम, पाकड़ और जामुन के पेड़ लगाए। वही देखिए गोंडा में डेंगू मलेरिया को लेकर अलर्ट मोड पर है स्वास्थ्य विभाग। महिला अस्पताल में 10 बेड का अलग से वार्ड तैयार किया। घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। देखिए बुलंदशहर खुर्जा विकास क्षेत्र का गठन किया गया। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में 11 प्रस्ताव पारित हुए। विधानमंडल के मानसून सत्र का 17वां सेशन भी हुआ। बीड़ा को दी जाएगी 8,000 हेक्टेयर जमीन भी। योगी कैबिनेट की बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए गए जिसमें टोटल 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। और वही देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मेरठ में केंद्रीय आर्य समिति और गुरु गोरखनाथ समेत कई संगठन सड़कों पर उतर आए। कहा कि हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोका जाए। इतना ही नहीं, दिल्ली के यूएन हेडक्वार्टर पर भी अब प्रदर्शन किया जाएगा। गाजियाबाद की बीजेपी नेत्री उदिता त्यागी बोली कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए जाएं जिनमें से एक हिंदू राष्ट्र बने। चलिए खबर है, बस्ती में एम्बुलेंस सेवा को बेहतर बनाने की नई पहल। 10 जिलों के प्रोग्राम मैनेजर मौजूद रहे, ऑपरेशन हेड ने किया निर्देश। और प्रयागराज में देखिए दोस्तों एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, 400 करोड़ की ठगी का। ईडी अब इस मामले की जांच करेगी। एफआईआर कराने वाले वकील को भी बुलाया गया। बड़े निवेशकों की लिस्ट भी तैयार की गई है। रियल स्टेट और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराने के नाम पर ये करोड़ों का खेल हुआ।
जहां 400 करोड़ का घोटाला। कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं होता दोस्तों। चलिए खबर है, सेंट फ्रांसिस स्कूल लखनऊ के शाहरुख को स्वर्ण पदक मिला। ग्रेटर नोएडा के सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। मैंने मैंने कांग्रेट शाहरुख को। और मैं देखिए, गोरखपुर में बिजली खपत पर लगेगी लगाम। 211 उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। खबर है, सांसद रवि किशन को धमकी देने वालों की जमानत निरस्त की गई। आरोपियों की पैसे की डिमांड थी, अंडरवर्ल्ड माफिया से भी संबंध बताया था। ये आरोपियों के नाम भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी हुआ। माँ से दोस्ती की पहले चोरी करने वाली महिला ने फिर सोने पर 6 महीने का बेटा उठा ले गई। हालांकि ये महिला बाराबंकी से पकड़ी गई है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से ये 6 माह का बच्चा चोरी हुआ है। और देखिए अच्छी खबर, 2 करोड़ के झूले पर विराजेंगे अयोध्या के प्रभु रामलला। 140 किलो चांदी और 700 ग्राम सोने से बना यह झूला। हीरे पन्ने का मुकुट भी पहनेंगे जल्द ही रामलला। और देखिए दोस्तों, एक मासूम बच्चे की अनोखी भक्ति। कानपुर में 5 साल के बच्चे ने उठाई कांवड़। 2 किलोमीटर दूर जाकर मंदिर में किया जलाभिषेक। मासूम को देखकर लोग भी आश्चर्यचकित हुए। खबर है, वाराणसी में 714 स्कूली वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया गया। फिटनेस जांच न कराने पर परिवहन विभाग की तरफ से फैसला लिया। 1226 वाहनों पर कार्यवाही हुई। और वही देखिए दोस्तों, IIT कानपुर में हिंदी टाइपिंग वर्ड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग खत्म हुई। 5 दिनों तक चला प्रोग्राम। सभी विभाग के अधिकारियों ने कंप्यूटर के काम सीखे। चलिए अब अपना आज के प्रदेश के मौसम के हाल पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये दोस्तों कि अगर आप डेली यूपी न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार बना लाइक भी कर देना, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली के मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए अपन मौसम की बात करें थे तो देखिए आप, लखनऊ में बारिश हुई। यूपी के 20 जिलों में अलर्ट है। उन्नाव में गंगा नदी उफान पर चल रही, सड़कों पर नाव चली। इतनी ज्यादा बारिश का माहौल आप देख सकते हैं और अगले 4 दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है। 16 अगस्त तक लखनऊ में भी लगातार बारिश का अलर्ट है। बाढ़ में अभी यूपी के तकरीबन 15 जिले डूबे हुए हैं। राजस्थान हिमाचल समेत भारत के कई राज्यों में रेड अलर्ट है 7 दिन तक के लिए। 53 नदियों से देश के 6 राज्यों पर बाढ़ का संकट मंडराया हुआ और सभी की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। अब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि देखिए, एक राहत की बात, मिर्जापुर में गंगा नदी का जल स्तर घटा तो लोगों को बाढ़ से थोड़ी राहत मिली है। और इसी बीच यूपी में मानसून का तांडव अगले 3-4 दिन तक रहेगा। 14, 15, 16 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है। किन किन जिलों में होगी बारिश, तो यूपी के ये जिलों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जहां 14-15 तारीख को बारिश की संभावना है ना। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, हज 2025 के लिए आवेदन शुरू हुए। इस बार 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा रखा गया हज यात्रा में। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, कुछ पॉलिसी वगैरह में भी बदलाव किए गए। हज committee.gov.in इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। और इस बार डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें चाहिए होगी, पासपोर्ट फोटो वगैरह देख सकते हैं आप डिटेल पे, है ना। चलिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब IRCTC ऐप पर आप नमो भारत ट्रेन की टिकट भी बुक कर पाएंगे, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन विंडो से भी बुकिंग की सुविधा मिलेगी। और राहत की बात तो ये है कि आप ये बुकिंग भी 120 दिन पहले ही, यानी तकरीबन 4 महीने पहले अपना रेल टिकट बुक कर पाएंगे, है ना। चलिए, स्टूडेंट के लिए अपडेट है, NEET UG काउंसलिंग आज से शुरू होने जा रही है रजिस्ट्रेशन। और इसके अलावा UGC NET का परीक्षा एग्जाम नहीं टाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी तो कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। और देखिए, पाकिस्तान में जन्मी कमर शेख इस बार भी लगातार 30वीं बार पीएम मोदी को राखी बांधेगी। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार का प्लान है 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देश भर की पंचायतों की महिलाओं समेत 400 निर्वाचित प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। चलिए खबर देखिए, वैज्ञानिकों के अध्ययन में एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय ब्रांड वाले नमक और चीनी में पाए गए माइक्रो प्लास्टिक, जिनसे हमारे शरीर में कैंसर होने का भी खतरा होता है। पर्यावरण अनुसंधान संगठन टॉक्सिस लिंक की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। और देखिए, देश के 42 लाख लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है। भर्ती होने के लिए अनुमति पत्र जरूरी नहीं होगा। रेफरल मेमो पर स्टाम्प की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तकरीबन 42 लाख CGHS लाभार्थियों को ये बड़ी राहत प्रदान की है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और आपकी हेल्थ को लेकर देखिए, WHO की तरफ से एक सावधानी भरा अलर्ट जारी किया। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों में दुनिया में बहरेपन का खतरा बढ़ रहा है, कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, WHO की तरफ से अपनी एक रिपोर्ट में सावधान करते हुए कहा कि देश और दुनिया में 12 से 35 साल की आयु के 1 बिलियन तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा लोगों में सुनने की क्षमता कम होना या बहरेपन का जोखिम बढ़ रहा है। और इसके पीछे मुख्य वजह पता क्या, ईयरबड्स या ईयरफोन लगाकर तेज आवाज में गाने सुनना, शोरगुल वाली जगहों पर ज्यादा रहना, ये बड़े कारण माने गए। तो ऐसी गलतियां आप भी ना करें, सावधान रहे, है ना। चलिए खबर है, दिल्ली में अब आप खूबसूरत नजारों का आनंद ले पाएंगे। आम पब्लिक के लिए राष्ट्रपति अमृत उद्यान खुलने जा रहा है। आज 14 अगस्त को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेगी। आम जनता के लिए अब अमृत उद्यान खुल जाएगा। परसों 16 अगस्त से 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा, ठीक है। चलिए अगली खबर देखिए, श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। केदारनाथ धाम का नया रास्ता मिला, जो कि पुराने रास्ते से 2 किलोमीटर छोटा भी है और यहाँ घास के मैदान ज्यादा है, तो इससे चढ़ाई भी थोड़ी कम होगी। ये नए रास्ते के रूट में भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है, विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल पर फैसला टला। खेल कोर्ट ने नई तारीख दी है और अब नई तारीख 16 अगस्त की तय की गई है।
तब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर अपना फैसला सुनाएगी। चलिए, भारतीय सेना की ताकत बढ़ने वाली है, दुश्मनों को तबाह करेगा 1000 किलो का गौरव बम। डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। और वहीं देखिए, राजस्थान जैसलमेर पोखरण में भी स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। सेना के जवान इसे कंधे पर रखकर भी लॉन्च कर सकते हैं। और भारत का जो तरंग शक्ति वायु युद्धाभ्यास चल रहा, इसमें मेक इन इंडिया हथियारों की प्रदर्शनी की गई। 6 अगस्त से शुरू हुआ पहला फेज 14 अगस्त तक चलेगा, आज लास्ट डेट है। मतलब फ्रांस, जर्मनी, यूके की वायुसेना भी इसमें शामिल हुई। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफडी पर ब्याज बढ़ाया। अब आपको फिक्स डिपोजिट पर 8% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। और भी ये टेबल में आप देख सकते हैं, अलग अलग समय की एफडी पर सामान्य और सीनियर सिटीजन नागरिकों को कितना कितना परसेंटेज ब्याज मिलेगा ना। चलिए खबर देखिए, कांग्रेस ने सेबी प्रमुख को हटाने की मांग करते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। केसी वेणुगोपाल की तरफ से ऐलान किया गया कि कांग्रेस 22 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ा आंदोलन करेगी। और बड़ी अच्छी खबर है, केंद्रीय कैबिनेट ने पीएमएवाई अर्बन 2.0 योजना को मंजूरी दी है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना। और इस योजना के दूसरे चरण में सबसे पहले झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक विधवाओं या विकलांग व्यक्तियों को केंद्र सरकार की तरफ से घर मुहैया कराया जाएगा। अब ये देख सकते हैं इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। लाभ लेने के लिए क्या पात्रता जरूरी होगी, डिटेल आप देख सकते हैं। और जैसे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी परिवारों के लिए भी इस बार इनकम की शर्त रखी गई है। चलिए खबर है, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक अगले महीने 9 सितंबर को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसमें शामिल होगी। और खबर है कि हेल्थ इंश्योरेंस को भी हटाने पर फैसला ले सकती है, इस पर विचार होगा जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में। और अगर इससे जीएसटी हटा देती है सरकार, तो आपका जीवन बीमा कराना, स्वास्थ्य बीमा सस्ता पड़ेगा, मतलब है ना। चलिए खबर है, केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी, मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को करना होगा ये काम। दरअसल अभी जो कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, उसके बाद से देश भर में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन हड़ताल कर रहे हैं। तो अब एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ये एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में क्या क्या पॉइंट्स हैं, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाते हुए लेडी डॉक्टर के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, ये आदेश सुना दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने डॉक्टर का ये केस सीबीआई को सौंप दिया। कहा कि 5 दिन हो गए, अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, ऐसे तो सबूत भी मिटाए जा सकते हैं। वैसे एक राहत की बात है, 2 दिन की हड़ताल के बाद कोलकाता केस मामले पर अब रेजिडेंस डॉक्टर की हड़ताल खत्म हुई। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फैसला लिया है। और इस घटना का आरोपी संजय जो कि पकड़ा गया है, उसको लेकर अब तक 7 बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, ये पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, भारत का समुद्र में भी अब अलर्ट जारी हुआ, बांग्लादेश से घुसपैठ का खतरा बढ़ा है, तटरक्षक बल ने और निगरानी कड़ी की। बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। इसी बीच अब भारतीय वीजा केंद्र ने फिर से शुरू किया काम, हालांकि कुछ सुविधाएं अभी भी सीमित रूप से ही रहेगी। चलिए खबर है दोस्तों, कल 15 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दलों से मिलेंगे पीएम मोदी और ओलंपिक के खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। वहीं देखिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत में घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। और दोस्तों, इस बार लाल किले पर लगातार 11वां ध्वजारोहण करके पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। चलिए खबर है दोस्तों, देश भर में निकाली जा रही हर घर तिरंगा यात्रा, ये अभियान आजादी अमृत महोत्सव का हिस्सा है, है ना। तो आप हम सबको मिलकर 15 अगस्त को महापर्व मनाना, घर घर तिरंगा फहराएं, देशवासियों से सरकार ने भी अपील की है। यूपी में भी देखिए, उलमा की तरफ से आह्वान किया गया कि स्वतंत्रता दिवस पर हर मुसलमान अपने घर, दुकान व मदरसे पर तिरंगा फहराएं। कल तो 15 अगस्त है दोस्तों, और इसे एक दिन पहले 14 अगस्त, आज का दिन भी भारत के इतिहास में काफी खास है, क्योंकि आज ही के दिन पाकिस्तान से अलग हुआ था भारत। और अब 14 अगस्त को विभाजन वीबीसी का स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। पीएम मोदी ने साल 2021 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, ये वजह की आज 14 अगस्त को विभाजन वीबीसी का स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिए दोस्तों, 14-15 अगस्त 1947 की वो रात, उस वक्त देश में कैसा माहौल था, ये उस रात की उस दरमियान की फुल रियल फुटेज भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। गुलामी का आखिरी दिन काफी भयावह भी था और काफी खुशीजनक और डराने वाला भी था। कई लोग बिछड़ रहे थे, कई नए मिल रहे थे, काफी भयानक थी ये रात, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना इसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।